तो कल आखिरी दौर का मतदान होना है। 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले नतीजों पर दावों का घमासान छिड़ गया है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने नंबर्स हैं, कहीं 400 पार है तो कहीं गठबंधन की सरकार है। 4 जून को दावों की पोल खुलेगी, लेकिन तब तक नंबर नंबर खेल का मजा लीजिए। बस अब आखिरी रण है, सिर्फ 57 सीटों का मतदान बाकी है। जो मेहनत होनी थी वो हो गई, जो वादे करने थे वो कर दिए गए, जो हुंकार भरनी थी वो हो गई। सारे दलों ने 2024 की जंग में जितना जोर लगाना था लगा दिया। अब नतीजों की बारी है और नतीजों से पहले दावे ही दावे हैं। हैट्रिक लगाने जा रहे, उनको मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है, जीत निश्चित है। भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। लड़ाई के मैदान में है तो दावे जीत के होंगे। 2024 के चुनावी अखाड़े में भी जीत के दावे ही हैं। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया तो दावे भी उसी मुताबिक है। विपक्ष ने बीजेपी को हराने के मकसद से गठबंधन बनाया, जाहिर है उनके दावों में भी कोई कमी नहीं है। 400 पार के नारे के उलट तो वो अपना नंबर बता रहे हैं, अपनी सरकार की ताल ठोक रहे हैं। 45 घंटे के ध्यान के लिए रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपनी आखिरी चुनावी रैली में एक बार फिर 400 पार के दावों का दम दिखाया। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने चुनौती दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रण की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 जून के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे, अब क्यों परेशान है इतने इतने? जो आपने आंकड़े हमको दिए 206 रैली उन्होंने की, तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। 6 चरणों के बाद 686 सीटों के नतीजे ईवीएम में बंद हैं। कल आखिरी चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान है। नंबर को लेकर अभी भी फुल घमासान है। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी, 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए आंगन टेढ़ा है। जीत निश्चित है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। सबसे बड़े सूबे यूपी के दावों पर सबसे बड़ा जोर है। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी 80 सीटों पर जीत का परचम लहराने का दम भर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी सारी सीटों को अपने खाते में बता रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हमें लगा कि ये 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सही तरीके से समझा नारा को तो ये 400 पार का मतलब हुआ
जिस तरीके से हम और आप कहते हैं उस पार, सड़क के पार, दीवार के पार, तो 400 पार बताओ कितनी सीटें बचती हैं। इस बार देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बंगाल से लेकर बिहार तक नंबरों का खेल चल रहा है। अब मेरी इच्छा क्या है, हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 400 सीट हम लोग जीते, आज देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है, तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चढ़ती है। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढा गया है सब। 4 जून तक पूरा मौका है, दावों का खेल, जिसे खेलना है खेल ले, अपनी जीत पर जितना दम भरना है भर ले। 4 जून को ईवीएम खुलेगा तो सबके दावों का दम निकल जाएगा, तब ये भी साफ हो जाएगा कि जनता ने किसको सिर आंखों पर बिठाया और किसे जमीन पर दे मारा। आज तक ब्यूरो।